लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे सेठ जी, आपके लिए तो पूरा। अरे कोई बात नहीं। ठीक है सेठ जी। हाँ जेश भाई, बोलो जेश भाई। अरे नहीं जेश भाई, आपका डेट तो सारा, मतलब सब बड़े बड़े लोग आपके डेट के पीछे पड़े हैं। अभी आपको तो मालूम ही है कि सारा जामनगर अभी बोट पे शादी करना चाहता है। आपकी बात सही है मितेश भाई, लेकिन थोड़ा कुछ डिस्काउंट का देखो ना। बोट, खाना, म्यूजिक, शराब, डीजे और फॉरेन डांसर्स तो मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। पैसा तो सिर्फ एक चीज के लिए है, आपकी सेफ्टी। पानी पे सेफ्टी तो जरूरी है। हाँ, इसलिए मैंने दो चैंपियन लोग बोट पे रखा है। एक छे कैप्टन शम्मी ठाकुर, एक्स नेवी।
अरे वो तो बड़े बड़े तूफान से कश्ती निकाल कर लाया है। कैप्टन शम्मी ठाकुर, तुमने भारतीय नौसेना की सबसे प्रबल सबसे आधुनिक पनडुब्बी अकेले सिंगल हैंडेडली अपने पर्सनल हाथों से कैसे डुबाई? सर माफी चाहूंगा, लेकिन आपका सवाल बिल्कुल ही बेबुनियाद है। क्या? आपके सवाल में कोई ताल है ना कोई तर्क है। अगर पनडुब्बी शब्द का हम संधि विच्छेद करें तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर दो शब्द हैं, पन यानी पानी और डूबी यानी पानी के अंदर। मैं आपको साबित कर दूंगा सर। ये देखिए सर, जो चीज पहले से ही पानी के अंदर है उसे कोई डुबा कैसे सकता है? और दूसरा है टेक्निकल जीनियस, मेरा बेटा केदार। अमेरिकन लोग रोज उसको बुलाते हैं, हमारे पास से आओ हमारे पास से आओ, वो जाने के लिए तैयार ही नहीं है। नाइन प्लीज। कट राइट। नॉट माय नेम, योर्स। केदार मितेश देसाई। But it says here you have recently applied twice as Kedar Patel. Yeah, but you don't give visa to the Patel, na? That's why I changed my surname to Desai, na? How long do you intend to stay in the United States of America? Whatever. अभी एक बार वीजा दे दिया तो वापस किसको आने का है? बोलो, आप बोलो। But your application is for a tourist visa. Yeah. And you've already told me you're not coming back to India. No. And how are you going to manage your finances? That too I will do hawala na. Hawala? Only give cash here and take cash there. No problem. It is very simple. What are you going to do in America? I will organize the best dandiya events in New Jersey, earn some few dollars, marry green card ladies. No problem at all. क्या है अपनी जो जयश्रीका की है ना एडिसन वाली, 22 साल से इलीगली रह रही है अमेरिका में। वो कमरा देती है भाड़े पे, $600 लेती है। हमारे गांव से बहुत लोग गए, महेश प्रय सुरेश परे सब लोग जाते हैं कबूतर बनकर। मेरी बात हो गई है, रहने खाने पीने का तो भाई टेंशन ही नहीं है। मैं क्या बोलता हूँ, सीधा ग्रीन कार्ड देते हो क्या? बोल। Enough, enough. Get out. अरे बट प्रॉब्लम क्या हुआ? Out. What is this? Hey, Scott bhai, अगर एक बार तुमने टूरिस्ट वीजा दे दिया तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं वापस आया कि नहीं। It is between us. No one will know. Security! समय, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। पहले पटेल बोल के मेरा वीजा रिजेक्ट किया, पटेल से देसाई किया मैंने, देसाई को भी रिजेक्ट कर दिया। लेकिन मैं ना तो देखना लाइफ टाइम का वीजा लेके रहूंगा इनसे। तेरे को अमेरिका जाना है ना? मैं देखो लेके जाऊंगा। ना तेरे पास वीजा ना मेरे पास, कैसे जाएंगे बोल? अरे वीजा तो एयरपोर्ट के लगता है पागल, हम लोग बोट से जाएंगे। बोट से? क्या बोल रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? ऑफ कोर्स हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। हम लोग है ना वाया अफ्रीका से जाएंगे। ए जम्मी जम्मी जम्मी, ए अपन लंदन होके नहीं जा सकते? प्लीज मोटा भाई, सिर्फ तेरे लिए चल वाय लंदन जाएंगे, ठीक है? वहां जाकर पार्टी भी करेंगे। ओके, थैंक यू थैंक यू। और तू अमेरिका जाकर क्या करेगा? मेरे पापा यहाँ पार्टी ऑर्गेनाइज कराते, मैं वहाँ जाके पार्टी ऑर्गेनाइज कराऊंगा डांडिया वाली, और खूब पैसे कमाऊंगा, तो देखना। यहाँ मैं झूठ बोल बोल कर गिराक ले आता हूँ और तुम अमेरिका जाके पार्टी करना चाहते हो? नहीं पापा, फ्यूचर का प्लान चल रहा था। तुम फ्यूचर की बात कर रहे हो? कौन सी फ्यूचर की बात कर रहे हो? हाँ तुम दोनों के लिए देर इज नो फ्यूचर। मितेश भाई आप कल की सोच रहे, हम लोग आने वाले कल की सोच रहे। हमारी सोच सोच के लिए चाहिए दिमाग, जो तुम्हारे पास है नहीं। इसलिए जो मैं कह रहा हूँ वैसे ही करना, अपना दिमाग मत लगाना। कल मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, बोट को ज्यादा दूर मत ले जाना और बोट पे दारू पीना मना है। और जैसे बारात आती है
बोट लेकर निकल जाना। ठीक है, हम लोग अपना ब्रेन नहीं यूज करेंगे। बहुत अच्छे, मैं यही चाहता हूँ। थैंक यू, गुड नाइट। जैसे बारात आती है बोट लेकर निकल जाना और फिर पार्टी करके रात तक वापस आ जाना, समझे? ए जमे, बोट निकल, बारात आ गई। बोट मा कुकुर को शॉट मा ओ जालू कर तो बेबी समझी नोटी आइटम ताड़ो टकेला चास उड़ाड़ो संभालो होश तुम्हारा बगल में होटी
खबीस का बच्चा, ये गाने के लिए नहीं लोगों को उड़ाने के लिए है। मुआफी मौलाना। और बा खुदा ये नहीं उड़ाना तो तुम सब एक एक करके उड़ोगे। असलम हुकुम, तरबूज को उसकी मंजिल तक पहुंचाओ। इसको मरने का बहुत जल्दी था, घड़ी भी आधा घंटे आगे रखा है। और 40 लोगों के जख्मी होने की खबर। पिछले 20 दिनों में ये तीसरा बड़ा धमाका है। शहर के सारे कोनों में सख्ती बढ़ा दी गई है और हुकूमत को आने वाले वक्त अभी अभी मालूम हुआ है कि लश्कर ए जैश ने कराची में हुए धमाकों की जिम्मेदारी ली है। There have been explosions on the beach of Karachi. धमाकों की वजह से कराची के सभी बड़े अस्पताल भरे हुए हैं और डॉक्टरों का कहना है कि बड़ी परेशानी खून की कमी को लेकर है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बीच खाली कराया जा रहा है और जो लोग जख्मी हुए हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। और आपको बताएं, यहां पाकिस्तान इंटेलिजेंस की एक टीम, देयर आर मूवमेंट्स इन इस्लामाबाद। अरे क्या पागल है क्या? अक्सर अपने आप को इस शहर में जिंदा पाकर लोग कुछ ऐसे ही चहचहाते हैं। अब भाई जिंदा हो तो कुछ इस अधमरे आदमी को भी जगह दे दे। अरे दे दे भाई। ओह अंकल, ओ दाढ़ी वाले भाई, सेम टू सेम मेरे जयेश काका जैसे दिखते हैं, लेकिन ये है नहीं, नाक थोड़ी लंबी है। कौन है? क्या हाँ ख्याल करेगा मुल्क का मुस्तकबिल, जब मुल्क का हाल ही मुल्क के माजी से नावाकिफ हो। मोहम्मद अली जिन्ना, कायद-ए-आज़म। इस कनीज के पैरों पे वसेब की जगह घुंघरू बांध कर नचवाइए। पृथ्वीराज कपूर, क्लियासन। मेरी घड़ी बटवा चेन देखा आपने? ओ भैया खुद तो सलामत हो ना, खैर मनाओ अपनी। ठीक है मैं चलता हूँ। ओ बैठो बैठो, मुआवजा तो लेते जाओ। मुझे नहीं चाहिए मुआवजा। बड़े अमीर लगते हैं, मुआवजा नहीं चाहिए। कराची में कोई मुआवजा छोड़ता भी है भाई? कराची? हाँ भैया, नया पाकिस्तान जो बन रहा है। पाकिस्तान? हाँ, शरीफ साहब ने कहा था अगर मैं इलेक्शन में जीत गया तो जो बम ब्लास्टिंग में मर जाएगा या जख्मी हो जाएगा उसको मुआवजा मिलेगा। शरीफ साहब कौन है? लगता है जख्म कुछ ज्यादा ही गहरा पड़ गया भाई। वो देखो नवाज शरीफ। अरे इनकी फोटो यहाँ क्यों लगाई? तो क्या दिल्ली में जाके लगाए? केदार, ओह शिट। ओ गलत भाई, क्या लिखा?
कोक स्टूडियो की पैदाइश, अमेरिकी ड्रोन के बरगलाए हुए बम, अपनी ज़हीन तरीन ज़बान से उर्दू बोलते हुए तुम्हें शर्म आती है? लानत है तुम पे। लानत? क्या लानत है? बरखुरदार। अरे केदार, हम केदार। बरखुरदार उर्दू नहीं आती? उर्दू? आह ये वाला प्रॉब्लम है क्या? एक मिनट रुको। वन আয়না সাথে চলবো সব পার পার। আমি মেরে কো বাত, আপকো এক ল্যাঙ্গুয়েজ আতা হ্যায়, মেরে কো তিন আতা হ্যায়, তো জিতা লো। বলো। ये कराची है? हाँ, कराची है। पाकिस्तान वाला कराची? नहीं, अमेरिका वाला। मैं फोन कर सकता हूँ? फोन बूथ बाहर है, वहां से जाके कर ले। अच्छा, मेरे साथ एक पतला सा लंबा सा लड़का था, देखा उसको आपने? कहाँ है वो? 40 लोग और आए थे, सब आपके वार्ड में है। चेक किया आपने? मैंने वार्ड चेक किया, वहाँ भी तो नहीं है। तो फिर हो सकता है इलाज करा के घर चले गए हो। घर तो जा नहीं सकता वो। अगर वार्ड में नहीं है और घर भी नहीं गए तो फिर 11 नंबर के वार्ड में जाके देख लीजिए, वहीं होंगे। आठ, नौ, दस, ग्यारह। शिट, ओह गॉड। सॉरी यार, अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। इसमें तेरी क्या गलती थी? बोट तो मैं चला रहा था, मरना तो मुझे चाहिए था। मैं तुझे कभी ये भी नहीं कह पाया कि मैं तुझे अपने छोटे भाई की तरह प्यार करता हूँ। हम लोग पार्टी करते हैं। ये कौन? तेरी तो, अबे, अरे ये तो मेरी गाड़ी है। तू कब से घूम रहा था? मैं मालूम है? तेरे को लगा है मैं हूँ? हाँ, ऐसा नहीं, मेरे लिए रह रहा था ना। हाँ, तू मेरे लिए रह रहा था। मेरे को मालूम था तू पीछे खड़ा है, समझा? I'm emotional ना। अबे तू बकवास की बात मत कर। तेरे को मालूम है हम लोग कहाँ हैं? किधर? कराची, पाकिस्तान। अच्छा, कराची? Yes। पाकिस्तान वाला कराची? हाँ, yeah। Oh God, रोना नहीं। कुछ करना पड़ेगा। हम लोग ना अपने कपड़े बदल लेना चाहिए, इनके कपड़े पहन के, ठीक है, मिंगे विंगे लोगे यहाँ से भागते, फिर एम्बेसी एम्बेसी ढूंढने में कुछ करेंगे। हम लोग पाकिस्तान में, अफ्रीका या चाइना में नहीं है, हम लोग की शक्ल सेम है। थैंक गॉड। इसे कहीं देखा है? जी नहीं। तुमने देखा है? चले चले, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसको देखा है कहीं? जी नहीं देखा। ओके। सम्मी। हाँ। This is not fair। बहुत गलत हो रहा है। हाँ, बहुत गलत हो रहा है। मेरे कपड़े फटे हुए, तेरे फटे हुए नहीं। दिस इज नॉट फेयर, मैं बता रहा हूँ। तू क्या फैशन शो में जा रहा है?
यहाँ पता नहीं क्या क्या फटा हुआ है, कपड़े की पड़ी है। पापा ने बोला ऐसे फटे हुए कपड़े नहीं पहनना चाहिए, बैड लक होता है मालूम है। हम लोग पाकिस्तान में, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। तू चल यहाँ से, चल इससे पहले कोई हमको पकड़ के ले जाए। चल पकड़ लेगा, अपन का BST बस थोड़ी ना है कि कोई भी पकड़ लेगा। भाग 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 करता है। अबे ऑटो नहीं चाहिए। केदार भाग जा, केदार भाग जा, केदार भाग जा, भाग जा। क्या हुआ? भागना नहीं, भागना नहीं, भागना नहीं। है कौन ये? अरे मेरा असिस्टेंट, गोली नहीं मारना, गोली नहीं मारना। देखो देखो हम लोगों ने कुछ नहीं किया, काय को पकड़ रहे हैं आप लोग हमको? हमको जाने दो यार, सब पता चल जाएगा। चलो चल चल अंदर। क्या चाहते हैं आप हमसे? अरे बच्चा पैदा करवाना है आपसे। अरे कुछ ये कुछ तरीका है आबादी बढ़ाने का? चलिए चलिए अंदर। सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ करता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। आपको गोली लगी थी? हाँ, लेकिन तभी मैं शेरवानी में नहीं था ना भाई। टेलीफोन है क्या? अरे जल्दी करो ना, कुछ करो करो। गरम पानी और टॉवल चाहिए। गरम पानी और टॉवल चाहिए। समय यहाँ इतनी टेंशन है, देखो नहाने की पड़ी हुई है। पिक्चरों में यही तो होता है। हेलो हेलो पापा। केदार, केदार बेटा कहाँ छो तुम लोग? पापा हम लोग, पापा हम लोग कराची में है। कराची? इसके बाद किसी नहीं देखा। कब तक अपने बाप को बेवकूफ बनाते रहोगे? कहाँ है वो शमी? पापा वो तो डिलीवरी करा रहा ना पापा। डिलीवरी? अरे हिमेश भाई का रॉ मटेरियल डिलीवर करने के लिए कहा था ना। एक मिनट पापा। ए शमी, वो लड़की का बोला थोड़ा आवाज कम करे यार। सॉरी यार पापा, वो डिस्टरबेंस हो रहा था बहुत ज्यादा। तुम लोग चुपचाप बोट के साथ वापस आ जाओ। पापा बोट तो, एक मिनट। ए शमी, तू भी कुछ लेगा क्या? मैं ब्लैक कॉफी लूंगा। Should I order something for you? Hey, भाई साहब, एक ब्लैक कॉफी लेके आएंगे क्या प्लीज? थैंक यू। हेलो पापा, पापा हम लोग पाकिस्तान में अटक गए हैं। पाकिस्तान में फंसे हो तो इंडियन आर्मी को फोन करो, मुझे क्यों तंग कर रहे हो? पापा लेकिन हमारे पास इंडियन आर्मी का तो नंबर ही नहीं। अबे गधे, मुझे एक आइडिया आया। वो वैक्यूम क्लीनर है। वैक्यूम क्लीनर? हां मैं वो, पहले अपना काम कर, सबसे पहले बात नहीं करना। अरे वो ही तो कर रहा हूं मैं। चाचा मुझे एक वैक्यूम क्लीनर चाहिए। बच्चा क्या, बच्चे का बाप बिहार आ जाएगा। पापा बिलीव नहीं करोगे, शमी ने बच्चा पैदा कर दिया। केदार तुम लोग कहीं भी हो, अभी के अभी बोट के साथ जामनगर पहुंच जाओ। पापा हर लड़का हुआ है। तू फोन पे किससे बात कर रहा था? ये तो पापा से कर रहा था। पापा से? क्या बोले क्या बोले? वो तो बिलीव ही नहीं कर रहे कि हम कराची। ए सम्मी, अभी क्या करेंगे हम लोग? इंडियन काउंसलर जाते हैं, वहां पे 100% हेल्प मिलेगी। है किधर यार, किसी से पूछ भी नहीं सकते। क्यों ए, अंकल हा? आपको मालूम है कि इंडियन कॉन्सुलेट किधर है? हम लोग वहाँ जा नहीं रहे, हम लोग वहाँ नहीं जा रहे। उसके आगे वो अमजद की दुकान है ना, वहाँ जा रहे। अच्छा, क्लिफ्टन में है। थैंक यू। ए सम्मी, ये अमजद कौन है? कोई आइडिया नहीं है। हो सकता है पाकिस्तान में हर चौथे घर में कोई ना कोई तो अमजद होगा, है ना? और तूने डिलीवरी करना किससे सीखा? राजू ईरानी। चल क्लिफ्टन। ओके। एक कॉल इंडिया की गई है, ये रही डिटेल्स। ब्लास्ट रॉ भी मेंशन है और कुछ डिलीवरी करने की बात भी की गई है। कॉलिंग लोकेशन क्या है? गिजरी। क्या उनमें से एक ये था? जी हाँ, लेकिन ये तो डॉक्टर थे। आपको यकीन है कि वो डॉक्टर था? जी हाँ। अंदाजा है यहाँ से कहाँ गए होंगे? कोई इंडियन काउंसलेट का पता पूछ रहे थे। अनिश्चित, अनिश्चित
काल तक बंद। कृपया हिंदुस्तानी दूतावास इस्लामाबाद से संपर्क करें। ए तो कौन सा वाला पढ़ रहा था? उर्दू वाला। ऐसे कैसे बंद हो सकता है यार? तो इंडिया की तरह बात बात पे छुट्टी। ये पाकिस्तान में भी है ना इंडिया टाइप बिहेवियर है। ऐसा में भूख लग रही है सामने। काम करता हूँ, पूछता हूँ किसी से। तो बैठ। दादा एक अभी खुलेगा? नहीं खुलेगा डॉक्टर साहब। पिछले हफ्ते यहाँ जो गोलीबारी हुई थी उसमें किसी ने चाय वाले को गोली मार दी, तब से मैं खड़ा होकर यहाँ चाय बेच रहा हूँ। ऐसी गोली मार दी? ये कॉन्सुलेट का इलाका है, यहाँ यही होता है। आप यही ठहरे। कराची में लोगों को गोली चलाने में मजा आता है ना? अच्छा। आलू के भाव में तो बिकता है गोलियाँ। आलू के भाव में गोलियाँ बिकती है, इसीलिए मैं भी अपनी हिफाजत के लिए ये खरीद लिया। कहीं देखा है? बहुत डेंजरस है यार ये आइटम। वो तो है। हेलो, अरे आप लोग पहुंचे नहीं? इंडिया? अरे इंडियन कॉन्सुलेट क्लिफ्टन। बात बात पे आप लोग इंडिया पहुंच जाते हैं। इसे कहीं देखा है? ये वन मिनट। ए समी, कराची वाली हॉट लेडीज तेरे को बुला रही है। अबे तू क्या हाथ ऊपर कर रहा, गोली चला। जंग बहादुर, जंग शुरू हो गए हैं। मेरे को मालूम है तो पाकिस्तानी है। क्या तूने इस लड़की को प्रेग्नेंट किया ना, इसलिए तेरे पे गोली चला रही। मेरे को मालूम है। वो लड़की ने क्या, वो चाय वाले को प्रेग्नेंट किया था, वो चाय वाले ने उसको गोली मारी। समझ में आ गया। क्या? मैंने किसी कपड़े चुराते? मुर्दे के? और मर्दा बोलता नहीं। और तूने किसके चुराते? बल 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 डॉक्टर के। और डॉक्टर बोलता है, डॉक्टर ने अपने बीवी को कंप्लेंट की और बीवी अपने पति का कुर्ता पजामा वापस लेने आई है, इसलिए हम पे गोली चला रही है। क्या कंट्री है यार, कुर्ते पजामा के लोग दूसरे को गोली मार देते हैं।
की तरह या रैबिट की तरह चल किसी भी तरह से बॉर्डर पार कर ले। रॉकेट की तरह या रैबिट की तरह चल किसी भी तरह से बॉर्डर पार कर ले। ऐसी पट्टी मेरे भाई इसकी होगी ना सिलाई, चाहे कोई भी उपाय मेरे यार कर ले। वक्त है दुहाई का मोहल्ला है कसाई का, बकरे की तरह गर्दन हलाल कर दी जाएगी। चल भाग नहीं तो, चल भाग नहीं तो जीप लात पड़ जाएगी। भाग नहीं तो जीप लात पड़ जाएगी। कर भाग नहीं तो साली बैंड बज जाएगी। हिप्नोटाइज करके, मेस्मराइज करके, सरप्राइज करके सारे रूल तोड़ दे। करके लेफ्ट राइट करके किसी से फाइट करके अपनी राह मोड़ ले। टाइम बुरा चल रहा, खतरा दिल में पल रहा, भूत पे भी बैठेंगे तो चींटी काट खाएगी। चल भाग नहीं तो, चल भाग नहीं तो जीप लात पड़ जाएगी। क्या चाहते हैं ये दोनों? मुझे डर है इनकी वजह से आवाम में दहशत न फैल जाए। I agree. We must keep it a secret. सम्मी, मैं और नहीं चल सकता हूँ, मैं बोल रहा हूँ तेरे को। अरे चलना पड़ेगा। मैं बैठ रहा हूँ, प्लीज मुझे खिला दे, मेरे को भूख लग रही है। या तो खिला दे या तो मेरे को लोरी गा के सुला दे। कौन हलावे लिमड़ी देखो। चोरी करना पाप है, चोरी बुरी बात है, चोर के हाथ पे लिख देते हैं, चोर मेरा बाप है। तुम दूल्हा नहीं है, ये डॉक्टर नहीं है, और तुम लोग पाकिस्तानी भी नहीं है। हिंदुस्तान से आया है, वो भी बोर्ड से। वाड़े आप पहले इंसान हैं जिन्होंने हमारी बात मानी, वरना कोई मानने को तैयार ही नहीं है। अरे हमारे माथे पे के बेवकूफ लिखा है। अब हमको बताओ, हम तुम्हारी बात पर कैसे यकीन करें? YouTube, मेरे पापा का और मेरा गरबा करते हुए डांस का वीडियो है टीना की शादी का। YouTube पाकिस्तान में बैन है। क्या? Skype बैन। WhatsApp बैन। अंकल आपके घर पे 3G है क्या? मैं तो बोला कटवा लो, बहुत पैसे बचेंगे, सब कुछ तो बैन है। अब हमको बताओ, तुम किसका आदमी है? इसने भेजा तुमको? हम किसी के आदमी नहीं है, किसी ने नहीं भेजा हमको। वो भूख लगी थी इसीलिए पिज्जा चोरी कर लिया। हमको क्या पता था कि पिज्जा के डब्बे के अंदर बंदूक है? तो इसने चोरी की थी भाई। तुम्हारा नुकसान कौन भरेगा? तुम्हारा बाप? इसका बाप भरेगा ना? क्या? ए भाई, मेरा बाप मेरे को पैसे नहीं देता, इसको क्या देगा? हमको देगा, उसका बाप भी देगा।
जुबैर भाई नंबर बोलो। 7। हम फोन नंबर की बात कर रहे हैं। 9820365608। हेलो नाम क्या है? केदार पटेल। हेलो केदार पटेल। हेलो हम तुमसे नहीं तुम्हारे बाप से बात कर रहे हैं। नितेश भाई केदार पटेल ये है। हेलो मितेश भाई हम कराची पाकिस्तान से अजहर बलोच बात करते हैं। अरे मारा भाई अगर वोट बुक करने का है तो ऑफिस में फोन करो ना। अरे ओ नाकू हमारा बात गौर से सुनो तुम्हारा बेटा और उसका दोस्त हमारे पास है। अगर तुम केदार और शम्मी का दोस्त है ना तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। अरे हम किसी का दोस्त नहीं हूँ। अब एक मैं ट्राई करूँ। अरे समझाओ नहीं। अरे मितेश भाई क्या कर रहे हो आप? आर्ग्यू क्यों कर रहे हो? अरे गोली मार देंगे हम लोग को। आपको पता है ना हम लोग कहाँ फंसे हुए हैं। एक मिनट। हेलो पापा। पापा मेरे को कभी सीरियसली नहीं लेते। लास्ट टाइम मेरी बात मान लेते तो फ्री में काम हो जाता मालूम। अभी भरो पैसे आप। अब तुमको हमारा बात समझ में आया? अब हमारा काम की बात सुनो। एक 10 चाहिए तो 20 मांगूंगा, 20 चाहिए तो 40, जो भी मांगोगे आधा ही मिलेगा। 1 करोड़। क्या? एक करोड़ दोनों का? अरे भाई एक काम करो ना, 50 में तुम रख लो। अरे तो हमारा नुकसान कौन भरेगा? नहीं नुकसान? अरे भाई कितना नुकसान हो सकता है? तुम्हारे पास तो सिर्फ 2 दिन से है। अरे मेरे घर में तो जन्म लिया उसने। हमने तुमको तोड़ी कहा था इनको पैदा करो, हमारा नुकसान पूरा करो और बाढ़ में जाओ। 50 बहुत ज्यादा है, एक काम करते हैं, चलो 25 में नकी करते हैं। अरे तुम कितना बहस करते हैं? 30 में डन करो। 30 लाख? लगता है कि कराची में रेट बदली हो गया है। चलो ठीक है, 20 काम होने के पहले और 10 डिलीवरी के बाद। ठीक है नाकू भाई, जब तक पैसों का बंदोबस्त नहीं हो जाता। जी ये हमारा खास मेहमान है, इनका खास खिदमत करो। बिल्कुल भाई। क्या कहोगे? अब हम थोड़ा सीख कबाब, तंगड़ी कबाब, चपली कबाब चाहिए, रुमाली रोटी लाइएगा और थोड़ी सी बिरयानी हो तो अच्छा है। नल्ली निहारी मंगा दीजिएगा और भेजा मसाला, मटन चाप और कलेजी, फिरनी उरनी मीठे के लिए बाद में, और अगर आपको कुछ और अच्छा लगे तो भेज दीजिए। अंकल मेरे लिए तो ये सारी चीजें वेज में। ठीक है भाई, ऐसा पहुंच गया। तो ठीक है, इनको भी इनकी मंजिल पर पहुंचाओ। हमारा बात सुनो। अरे ओ नाकू हम तुमसे बात करते हैं, हमारा बात गौर से सुनो, हम तुमसे बात करते हैं। अजहर भाई सुनने के लिए कान की जरूरत पड़ती है, मुंह के लिए? मैं तो मुंह से खा रहा हूँ, आप बोलिए, सुन रहा हूँ। इधर से तुम मुरंगी टाउन जाएगा, वहां से पासपोर्ट उठाएगा और सीधा भारत जाएगा वाया काठमांडू। ओ अंकल एक क्वेश्चन था, हम लोग वहाँ बैंकॉक नहीं जा सकते? हमारे माथे पे क्या लिखे? खबरदार अगर मुंह खोला तो। वो खुदाया लेके जाओ यार इनको। जी भाई, वो रही तुम्हारी मंजिल। भाई ये पठानों का इलाका है, किसी बलोच को देखते ही काट डालेंगे। बात बात पे लोगों को काट देते यार यहाँ पे। किस्मत ने चाहा तो फिर मिलेंगे, जाइए। अरे भाई कैसी बात कर रहे हैं आप, तो ऐसे बड़े जैसे कि हम लोग कभी मिलेंगे ही नहीं। देखो कभी तुम इंडिया आओगे ना तो मेरे घर पे रुकना, और फेसबुक पे मैं तुमको रिक्वेस्ट भेजूंगा तो मेरे को एक्सेप्ट जरूर करना और फोटोग्राफ्स को शेयर जरूर। अपनी खैर चाहते हो ना, उसका जबान बंद रखना। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। क्या बोले? कुछ नहीं। क्या बोले? ऐसे बोल रहा था कि मेरे बारे में तो नहीं बोला ना। एक घंटे में ले लो। एक घंटे तक हम लोग कहाँ जाएंगे? बगल में होटल है।
होटल में कमरा लेने गए क्या? चाय पी लो। एक घंटे तक चाय कौन पीता है? कैसी बात कर रहा है? दफा हो जाओ। ओके। ए सम्मी, अब क्या करेंगे? एक घंटे वाली चाय पीते हैं। पुरानी मैच है। इंडिया जीतेगी, मैं बता रहा हूँ तेरे को। आधी घंटे की बात, रिलैक्स। अब बोलो पठान का बच्चा सोने, लाला को पड़ी लात, सीधा पवेल के अंदर, लाला की ले डाली, ले डाली, ले डाली, पठान का बच्चा डैंडी गुल, चाय वाला सोने, पठान का बच्चा आफ्रीदी, आउट इन द पवेलियन, हाँ, चाय वाला सोने, बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलने के लिए, यस, 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 क्या हुआ भाई? Don't mess with the चाय वाला सोने। मुहाजर लगता है। चल भाग नहीं तो, चल भाग नहीं तो जीत रात पड़ जाएगी। चल भाग नहीं तो जीत रात पड़ जाएगी। चल भाग नहीं तो सारी पैर बज जाएगी। चल भाग नहीं तो जीत रात पड़ जाएगी। चल भाग नहीं तो सारी पैर बज जाएगी। जहां से वहां से चल बच के निकल जाए, वरना किसी तरह ना जान बच पाए। तेरी गलती है। मेरी गलती है? पठानों से पंगा तूने लिया था ना? अरे मैं तो जज्बात पे बह गया था। तू किस बात पे बह गया था? अरे लेकिन तूने अगर पठानों से पंगा नहीं लिया होता, अभी अपन बॉर्डर पर जा रहे होते, मालूम है तेरे को? गलती अमेरिका की है। What? ये गलती अमेरिका की है। ना तुझे अमेरिका जाना होता, ना वो बोट डूबती। अरे लेकिन मैं तो प्लेन से जाने वाला था ना सम्मी, बोट में जाने का आइडिया तेरा था। अरे प्लान मेरा था, लेकिन मजबूरी तो तेरी थी। अमेरिका की गलती है, हर बार अमेरिका की गलती होती है। राइट। हाँ, और हम लोग इसी बोट से दुबई जा रहे होते ना, तो बोट कभी नहीं डूबती। अरे राइट की लेफ्ट। हम लोग ने लास्ट टाइम राइट टर्न लिया था ना। हाँ, दो बार राइट टर्न लेंगे ना तो यू टर्न हो जाएगा। अरे? सीधा निकाल ले तू। ओके, इजाजत हो तो मैं कुछ कहूँ। हाँ, लेफ्ट ले लीजिए। ठीक है, चलिए लेफ्ट ले ले। देखा, अभी अपन सीधा जाते तो फंस जाते। नहीं, अरे मेरे से भी गलती हो सकती है। कौन है बे तू? और तुम गाड़ी में कैसे? बहुत डेंजरस लोग है, बता रहा हूँ। मुसाफिर हूँ, आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा सकता हूँ। अरे अंकल, हमको मंजिल नहीं, हमको बॉर्डर पर जाने का है। मेरे पास हर सरहद की चाबी है। क्या? ताले वाला लगता है। बॉर्डर तक पहुँचा सकते हो? आगे चलिए। डरा रहा है तू मेरे को? मैं उसको डरा रहा हूँ। कहाँ जाने का भाई? सीधे सीधे चलते रहो। कौन है? मेरे अजीज। ए सम्मी, ये तो बहुत डेंजरस लग रहे हैं भाई। सब डेंजर टाइप ही आदमी है, बस बॉर्डर पार करा दे और कुछ नहीं चाहिए। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? आप दोनों पीछे गाड़ी में सामान रखा है, वहां रख देंगे।
तकलीफ तो नहीं हुई, लेकिन एक हादसा हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़े काम के बंदे मिल गए ये दोनों। ये सम्मी, इसमें क्या आम है क्या? मुझे तो उनकी कोई बात आम नहीं लगती है। तू चुपचाप रहना, कुछ बोलना नहीं, उठा ले। कम अकल के हैं, ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा। बॉर्डर पार जाना चाहते हैं, आगा से कहना इनका खास ख्याल रखे जी, काम आएंगे। सुनो, कौन है? खैबर पख्तूनख्वा के पाशा मुल्ला नसरुल्ला, नहीं जानते क्या? नहीं जानते, अच्छी तरह जानते हैं। तो दोस्त है। ओ बाशिंदो, इनके साथ जाओ, ये तुम्हें बॉर्डर पार ले जाएंगे। ठीक है। ओए खुदा बख्श जान, जाओ। थैंक यू अंकल। जाओ। जान, मुल्ला नसरुल्लाह का तोहफा है आपकी तंजीम के लिए, बॉर्डर पार भेजना है, कह रहे थे इंकलाब में बहुत काम आएंगी। कम अक्ल के हैं, ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा। क्या नाम है तुम्हारा? शम्मी, ये गुंगा है। अच्छा, कोई बात नहीं। ये जगह बहुत डेंजरस है, यहाँ पे है ना, अगर हम लोग उनकी बात सुनेंगे तो भी मरेंगे, नहीं सुनेंगे तो भी मरेंगे। हम लोगों ने यहाँ से जल्द भाग जाना चाहिए।
मैं क्या सोच रहा हूँ? अरे मेरे को क्या मांग, तू क्या सोच रहा है यार? नहीं मतलब तेरे को शिमला जैसी फीलिंग नहीं हो रही क्या? शिमला? मैं तो बोल रहा हूँ दो तीन दिन यहाँ पे रह के चलते सम्मी। दो तीन दिन बाद क्या तेरा बाप आ गया हम लोगों को बचाने के लिए? तेरे को मालूम है ऐसे माउंटेन्स में हॉलीडेज करेंगे कितना पैसा लगता है? हमको फ्री में मौका मिल रहा है, तेरे को भागने की पड़ी है सम्मी। ठीक एक गजराती की तरह सर सम्मी, एक गजराती की तरह। आज इस गुजराती के दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही है, उसका फायदा, विच इज टुनाइट थ्री डेज फ्री डेज हॉलीडेज विद अलकायदा। तो बोल रहा था कि ये गूंगा है? इसका नाम गूंगा है। गूंगा उल इत्तफाक। और तुम्हारा नाम क्या है? शमी अल वत्तफाक। ओ गूंगा, तुम गुजराती है? तू तैयार हो गया गूंगा, तू तैयार हो गया। इतने बड़े आगा जान को भी लगता है कि तू गुजराती है। हम लोग का अगला डेस्टिनेशन, अगला मिशन गुजरात है और पूरे गुजरात को उड़ा डालेंगे हम लोग, उसी के लिए तैयार हो रहा था। मैं तैयार हो गया। पहले गुजरात मेरे अंदर था, अब मैं गुजरात के अंदर घुस जाऊंगा और फोड़ डालूंगा। हमको तुम जैसे मुजाहिद का जरूरत है। थैंक यू। जो हर जगह जा सकते हैं, करेक्ट है, वो गुजरात हो या गुजरांवाला, वाशिंगटन हो या बटाला, हमको तुम जैसे मुजाहिद पर फखर है। वी फखर यू टू। ना, I फखर यू। ना, वी फखर यू। ना, I फखर यू। ना, 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 वी फखर यू। ख्याल दी समझ बेवकूफ है। हाँ जी, खबीस औलाद गुजरात, कद हिंदुस्तान द गुजरात ही, कद पाकिस्तान द गुजरात, इस फर्क ने प्री उजी। खबर और दिल है। ए अहमद, ध्यान से। जी जनाब। ये हाँ जी, और आगा जान को मेरा सलाम कहिएगा। मुझे लगता है ये मुल्ला का है ना डिलीवरी बॉय। हाँ। सारे आर्म्स और एमिनेशंस ये डिलीवर करता होगा। ए मैं पूछा क्या इससे? मैं आपको कॉल कर रहा हूं। हां, कभी फोन कर सकते हैं आप। भैया, आप वेजिटेरियन पिज्जा डिलीवरी करते हो क्या? वेजिटेरियन पिज्जा? भूख लग रही है ना मुझे। कौन है ये? मौलाना ने कराची से नए मुजाहिद भिजवाए हैं। चलो भाई, चलो अंदर बैठो। आगा जन, हथियार तुमों में जो बम है ये उसका डेटोनेटर है। पर लगता तो मोबाइल फोन की तरह है। Oh!
आगा जान, एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछो। ये मोबाइल का बिल कहाँ आता है? इधर बिल नहीं आता है, शेर दिलाता है। ओए आगा जानी, माशाल्लाह। السلام عليكم ما شاء الله میں اب تمام حضرات کا تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ لوگ میری دعوت پر ادھر تشریف لے آئے جس مقصد کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں اس مقصد کے پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے دشمن دین یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہم سے زیادہ مکار ہم سے زیادہ ہوشیار اور چالاک مگر ہم آج یہ ثابت کریں گے کہ ہم اس سے زیادہ ہوشیار اور چالاک ہیں یہ جو تم لوگ دمبے دیکھ رہے ہیں نا ایسا ہم نے 100 دمبا تیار کیا ہے اس کا پیٹ میں آر ڈی ایکس بھر کر تمام دمبے نیٹو کو سپلائی ہوں گے نیٹو کو یہ دمبے امریکیوں کا کباب نہیں بنیں گے بلکہ امریکی ان کے کباب بنیں گے کچھ بھی بولا کہ لوگ ہیں نا یہاں پہ آ کے گن چلانا سیکھ گئے انڈیا میں تو ہم لوگ لائف میں یہ نہیں کر پاتے ہاں یار میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا ایم اتنا اچھا ہوگا لیکن سمی ابھی نا یہ جگہ بہت خطرناک لگ رہی ہے میرے کو ہم لوگ ان کی بات سنیں گے تو بھی مریں گے نہیں سنیں گے تو بھی مریں گے کچھ سنا سنا سا لگ رہا ہے مجھ کو یہ میرے دوست سمی نے میرے کو بولا تھا سمی سوری ہاں چلنا میرے پاس ایک آئیڈیا ہے تھوڑا ڈینجرس ہے اے تو ہمیشہ ڈینجرس آئیڈیا بتاتا میں کیا کروں ہم لوگ طالبان میں ہیں یہاں پہ سب کچھ ڈینجرس ہے ٹھیک ہے بس ہم لوگ چپ چاپ یہاں سے نکلتے ہیں ہم لوگ بولتے ہم کو باتھ روم جانا ہے ٹھیک ہے باتھ روم جانا ہے ہم لوگوں ہم لوگ ٹوائلٹ جا رہے ہیں بولتے آپ کا نمبر بول 9898 ارے کیا کر رہا ہے بولنا میرے کو لگا میں بھول جائے گا نا 9820365608 ایکٹیویٹڈ تیرے باپ کا نام ایکٹیویٹڈ باپ کا نام ایکٹیویٹڈ ہے اپن نکلے تھے تو امیتیش بھائی تھا پتا نہیں پپا بنا چینج کرتے رہتے
ये लाइन कहाँ जा रही है? ओह शिट! ये क्या हो गया? There are explosions on Kaibe Hill. Explosions, Kaibe Hill. Where? 32 degrees north. 32 degrees north. Move to Kaibe Hill. Move to Kaibe Hill. That looks like a camp. Is Taliban camp? Spotted something, sir. Two males, sir. Two males. Shaitan ki aadat. Stay with them. Stay with them. Don't lose them. I want to find out who they are. Hamne unhe nahi kiya. What are they saying? Closer. They look like Al Qaeda, sir. They're moving. They're moving. Stay with them. Go behind them. No. Kya dene ka bhai? Baga. Yes. Go. You can run, but you can't hide. Hawa idhar. Kya kar raha hai, sir? On the other side. Who do you think these guys are? Just fools, sir. It's a cover-up. Why would the Taliban bomb themselves? Maybe because they think it's a shortcut to paradise. You think it's revenge for Osama? Whoever they are, they're very, very clever. Look at them. Look at their faces. This is the new face of terror, and it's threatening America. Now you get in there, and you find out who they are. You know this guy? मंडेला में हीरो था ना? फिल्म तो देखी है मैंने, लेकिन मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। क्या गुजराती सबटाइटल्स नहीं थे ना उसमें? मैडम, सॉरी। So what are you guys? Taliban? Terrorists? Why are you here? You want to blow this country? Where are you from? Afghanistan? What is it? I for ISIS. I for Israel. Are G for Gujarat. He's Gujarati. I'm Indian. And Israeli is from me, not from I. From I becomes I Israeli. So where's Gujarat? ये मेरे को बता. The Gujarat is the super state. The Gandhinagar is the capital of the Gujarat. And the Gujarati speak Gujarati. And the national dance of Gujarat is the Garba. And we love Gau Mata. Right. Shut up! I ask where is Gujarat, not what it is. Gujarat also India. Gujarat, India, India. What to India? Indian. Remember this? Yellow fly. We are very, very sorry. This is the first time we robbed anything. जिंदगी में पहली बार एक फोन चोरी किया और कभी लाइफ में चोरी नहीं। We never robbed anything. बचपन में एक बार पापा की गाड़ी चुराई थी मैंने। ये थे को घुमाना था ना। Father's car. He borrowed his car to drive. नहीं नहीं उसके पहले मैंने पापा के वॉलेट से 200 रुपए चुराए थे। Just little money, car. हाँ ढोकला कमलेश के टिफिन से Kamlesh is his younger brother. He only robs in the family, not outside the family. The first robbery outside family. Pizza bhi to chura hai. Isne Karachi mein pizza bhi chura. One pizza, very hungry. All right. So you stole money, you stole food, a car, and you say you're not thieves. You claim you're Indian.
Yes, but this is very normal. Yeah, everybody robs small thing. Yeah. And this phone is not good, it doesn't work. Very wide network. They're not lying, sir. Idiots and innocent. They think Barack Obama is Morgan Freeman from Mandela. How can anybody be so stupid? They think that you brought them in for stealing a mobile phone. They didn't even know it was a detonator. Oh, this is a good day. Time for us to take the claim and win the game. The world will now see how much they need us. God bless America. नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। अब खबर सीधे पाकिस्तान से आ रही है। अमेरिकी ड्रोन ने वजीरिस्तान का एक बड़ा तालिबानी कैंप भारी बमबारी कर ध्वस्त कर दिया है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू TNA न्यूज। लास्ट नाइट इन अ कवर्ड ऑपरेशन अमेरिकन सील्स टर्मिनेटेड 12 बिग अल-कायदा लीडर्स यूजिंग गेस व्हाट ओनली वन ड्रोन सो स्मेल द कॉफी वंस अगेन द वर्ल्ड इज अ सेफ प्लेस। Well done. Here we go. Congratulations. Good job. Good job. Very good. Well done. Well done. What? You're not celebrating? Wrong, man. This is wrong. We haven't even done this. So now what about those two Indians, sir? Let's give them a medal. Spider-Man? Sorry. Out. Touching me? Hey, are we waiting for a taxi? Sure. Mm. We're waiting for a taxi. Okay. नॉर्मली लोग मरने के लिए जाते हैं यार। दिखता भी है पूरा कॉफिन की तरह मेरे को। पहुंच गए। अरे बहु घुटन हती अंदर समी। अरे छोटे दिमाग के लोग यार ये। बाप रे। Now? The Indian border. It's 5 miles that way. Keep going, you'll get to the border. Okay. Thank you. Thank you. Chalo. Chalo, bhai. 5 miles, 500 miles, who knows? 5 miles matlab approximately 10 kilometers. Hey, Sammy, aage se auto le le. Kya baat? I'm not a trainer, mom. This doesn't feel right. The world needs to know this. ये कहाँ से मिला तेरे को? ये तो टैंक से उठा लिया मैंने। क्या है? कंपास है बे? हाँ। चल काम आएगा। ਯਾਰ ਬੜਾ ਫੈਂਟਾਸਟਿਕ ਦਿਲ ਖਿੱਚਦਾ ਵਾਂਗ ਇਲਾਸਟਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਸਟਿਕ ਪਰ ਦਿਲ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਬੜਾ ਸੁਆਂਕੀ ਹੈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਂਕੀ ਬੜ ਦਾਰੂ ਦੀ ਇਹ ਟੈਂਕੀ ਨਾਲੇ ਕਰਦਾ ਤੰਗਾ ਹੈ ਰਮ ਤੇ ਵਿਸਕੀ ਬੰਦੇ ਹਰੀ ਸਕੀ कराची टीवी के स्टूडियो में आपका इस्तकबाल है। वजीरिस्तान में हुए धमाकों से जुड़ा एक सच सामने आ गया है और साफ हो गया है अमरीकी हुक्मरानों का फिरका परस्त। तालिबान कैंप में हुए धमाकों से जुड़ा एक वीडियो क्लिप सामने आया है जिससे ये साफ जाहिर होता है कि धमाकों के पीछे अमरीकी ड्रोन नहीं बल्कि ये दो नौजवान है। अब सवाल ये उठता है कि कौन है ये दोनों नौजवान।
चराग तेरे बलन हमेशा चार चराग तेरे बलन हमेशा चार चराग तेरे बलन हमेशा पंजमा मैं पालन आइया भला झूले लालन सिंधड़ी दा सेवन दा सती शाबाश कलंदर You could be court-martialed for this, right? With all due respect, Commander. So could you. Because you've lied to the world. अफसर या आपकी तरह मुल्क के दो आम नौजवान जो दहशत गर्दों के जुल्म से तंग आ चुके थे इनका सच आखिरकार हुकूमत कब बताएगी CIA की लीक के मुताबिक आपकी हुकूमत की क्या राय है देखिए माशाअल्लाह दोनों हमारे मुल्क के नौजवान हैं और मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार फिर अब तक कोई ऑफिशियल रिपोर्ट क्यों नहीं सामने आई पाकिस्तान के ऊपर जब भी आंच आएगी तो हमारी पॉलिटिकल पार्टी के नौजवानों ने यह फैसला किया है कि वो मुल्क की हिफाजत के लिए अपने सीनों को छलनी कर देंगे पॉलिटिकल पार्टीज कब से ऐसे लोग बनाने लगी जब से दहशतगर्दों और तालिबानियों ने इस मुल्क को अपना प्लेग्राउंड समझ लिया है हमारी पॉलिटिकल पार्टी के नौजवानों ने यह फैसला किया है कि मुल्क की जमहूरियत को महफूज करने के लिए वो अपना खून तक सर्व करेंगे जीवे जीवे पाकिस्तान जीवे जीवे पाकिस्तान जी मलिक साहब को फोन दो सर इंटेलिजेंस से फोन है फरमाइए सर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है वो दोनों जिन्हें आपने पाकिस्तानी बताया है वो दरअसल हिंदुस्तानी है क्या इंडियन है सर हमने अभी पता लगाया है आप होश में हैं या नहीं एब्सोल्युटली सर एंड आई डोंट थिंक दे आर डेंजरस कौन डेंजरस है कौन डेंजरस नहीं है ये फैसला मैं करूंगा आपका काम इंफॉर्मेशन जमा करना है उस पर तवज्जो दीजिए और इन दोनों नमूनों को ढूंढ के लाइए सर अब तक तो वो हिंदुस्तान पहुंच गए होंगे ये क्या बॉर्डर बॉर्डर टाइप लग रहा है बॉर्डर लग रहा है यार ये साइड पाकिस्तान वो साइड इंडिया है अम्मी ये बॉर्डर तेरे को थोड़ा छोटा नहीं लग रहा है अरे बॉर्डर छोटे ही होते हैं यार डिफरेंसेस बड़े होते हैं लेकिन मेरे को तो कोई तार भी नहीं दिख रही है भाई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सारी तारें चोरी हो गई होंगी दोनों तरफ चोर भरे हुए हैं चल क्रॉस कर यार फ्रेश घास भी कितने हरे हरे सडनली कितना डिफरेंट फील हो रहा है मेरे को बहुत मजा आ रहा है मेरे को आज ना इंडिया की वैल्यू समझ में आ गई क्या कर रहे हो तू मलिक साहब के बयान से ये बात साफ हो चुकी है कि वजीरिस्तान में हुए धमाकों के जिम्मेदार ये दोनों नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हैं। ये दोनों काफी अरसे से पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक फ्रंट और आर्मी से जुड़े रहे I love पंजाब यार। चल लस्सी लस्सी पीते और वक्त आने पर अपनी जान जोखिम में डालकर इन्होंने इस मिशन को अंजाम हुकूमत ने इनकी बहादुरी को ध्यान में रखते हुए इन्हें इनाम से नवाजने का फैसला किया Yeah!
ਜਾਂ ਗਏ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੋਪ ਹੋ ਆ ਜਾਓ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ ਐ ਆਪਣੇ ਲੋ ਹੋਤੇ ਯਾਰ ਇਤਨਾ ਵਾਰਮ ਤੋ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਮੇ ਮਿਲਤਾ ਹਾਂ ਬੱਲੇ 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 ਜੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਜੋ ਕੰਮ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਹਾਂ ਕੀ ਹਾਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਾ ਬਾਰਡਰ ਜਾਤੇ ਰਹਤੇ ਹੋ ਆਪ ਉਸ ਪਾਸੇ ਅੰਕਲ ਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਥੇ ਲੇਕਿਨ ਸਮ ਕਚ ਪੇ ਬੋਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾ ਲੋਕ ਬਾਰਡਰ ਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੋਗੜਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੇ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੋਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਲ ਬਸ ਜੀ ਬੀਚ ਮੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਦੀ ਸਹੀ ਬੋਲਾ ਕਮੀ ਨੇ ਵਹਾਂ ਪੇ ਵੀ ਔਰ ਕਮੀ ਨੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਵੀ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਹੈ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਮਜ਼ਾਕੀ ਆ ਅੰਕਲ ਕਾਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਅੰਕਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਓ ਮੁੰਡਿਓ ਅਜੀ ਹੋ ਓ ਬਗਾਵਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਘਰ ਆਇਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਇਮੋਸ਼ਨ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਹਾਂ ਦੁਖਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਖਿਦਮਤ ਹੋ ਜਾਓ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਮੇਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਘੂਰ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਘੂਰੇਗਾ ਉਹ ਦੇਖ ਉਹ ਵੀ ਘੂਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਾਨ ਦੋ ਜੀ ਪਠਾਨ ਹੈ ਪਠਾਨ ਮਿੱਠਾ ਖਾਓਗੇ ਮਿੱਠਾ ਤੋ ਜੀ ਹਮ ਵੀ ਖਾਏਂਗੇ ਲੱਸੀ ਲਿਆ ਓਏ ਰੱਸੀ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ ਰੱਸੀ ਨਹੀਂ ਬਾਸ਼ਾ ਉਹ ਲੱਸੀ ਤਾਂ ਪੀਓਗੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਲੱਸੀ ਉਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੀ ਹਮੇ ਹਮਾਰੇ ਅੰਕਲ ਕੇ ਪਾਸ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੌਣ ਅੰਕਲ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਬਲੂਚ ਅਬ ਇੱਕ ਹੀ ਤੋ ਅੰਕਲ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇ ਹਾਂ ਅੰਕਲ ਆਪ ਹਮਕੋ ਛੋੜ ਦੋਗੇ ਅਜੀ ਹਮ ਛੋੜ ਦੇਤੇ ਹੈ ਬਾਸ਼ਾ ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਹੀਂ 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 ਉਹ ਹਮਕੋ ਕਹੀਂ ਕਾ ਨਹੀਂ ਛੋੜੇਗਾ ਪਾਗਲ ਬਾਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਸਮਝ ਲਓ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਅਰੇ ਅੰਕਲ ਆਪ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕਾਹਦਾ ਤੂੰ ਆਪ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਥੇ ਕਿ ਅਪਨ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਬਿਆਨ ਸੇ ਯੇ ਬਾਤ ਤੋ ਸਾਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਦੋਨੋ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਕੂਮਤ ਕੇ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਕੋ ਲੇਕਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਯੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਾ ਹੈ ਯੇ ਦੋਨੋ ਆਖਿਰ ਹੈ ਕਹਾਂ ਔਰ ਇਸੀ ਸੇ ਅਜ਼ਰ ਭਾਈ ਮਿਸਟਰ ਅਜ਼ਰ ਬਲੋਚ ਅਜ਼ਰ ਅੰਕਲ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਿਸਟਰ ਬਲੋਚ ਚਾਂਸ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇਹ ਸਭ ਕਿਆ ਹੈ ਅੰਕਲ ਸਭ ਗਲਤੀ ਸਮੇਂ ਕੀ ਆ ਪਠਾਨੋ ਸੇ ਪੰਗਾ ਇਸੀ ਨੇ ਲਿਆ ਥਾ ਮੈਂ ਅਰੇ ਬਾਤ ਬਾਤ ਪੇ ਚਿੱਲਾ ਰਹੇ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਪਠਾਨ ਕਾ ਬੱਚਾ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ਅਰੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਾਨ ਫਟ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਅਗਰ ਤੁਮ ਬਲੋਚ ਹੋ ਨਾ ਤੋ ਮੈਂ ਵੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਹੂੰ ਇਤਨੀ ਗਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਦੌੜਾ ਦੌੜਾ ਕੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਮੇਂ ਨਾ ਕਾਟ ਕਾਟ ਕੇ ਮੂਲੀ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਰ ਹਮਕੋ ਸ਼ੁਰੂ ਸੇ ਬਤਾਓ ਇਹ ਸਭ ਕੈਸੇ ਹੁਆ ਅਰੇ ਯਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਸੇ ਅਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸੇ ਬਤਾਏਂਗੇ ਤੋ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲਗੇਗਾ ਟਾਈਮ ਕਾ ਤੁਮ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੈ ਪੱਕਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਬੋਲੇਗਾ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਕਲ
1 अप्रैल 1988 को मैं राजकोट में पैदा हुआ था और जैसे मैं पैदा हुआ था पूरे गुजरात में भूकंप आ गया। इतना शुरू से हमको नहीं बताओ। स्कूल से नहीं, ओके, उससे भी बात से बोले कैसे पहुंचा। ओ शिमला वाला सेठ यार, पता है वो जो मुल्ला अंकल जो थे ना, इतने डेंजरस अंकल थे वो। अब मैं तुमको क्या बैकग्राउंड स्कोर के साथ बता दूं क्या हुआ था। फिर हमको जुबेर मिला, जुबेर को पकड़ के हम लोग यहाँ आए, वो दरवाजे से अंदर है और वहाँ खड़े थे हम लोग। आप यहाँ बैठे हुए थे, फिर आप खड़े हुए, हम लोग दोनों गले वले मिले, फिर आपने बोला कुछ खा लो, हम लोग खाना खाने के लिए बैठे और मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं, ला मुझे कबाब देना। ए अंकल, आपको कैसे पता चला कि हम लोग तालिबान गए थे? ऐसे ही गेस किया। यार स्मार्ट है यार। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप उन दोनों को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं? सर मुझे इन नतीजों का इंतजार। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। कौन? खाकसार को अजार बलोच कहते हैं। ओह अजार साहब, आज आपको हुकूमत की याद कैसे आ गई? एक जमाने से दिल में ख्वाहिश थी कि हम भी पार्लियामेंट की आरामदेह कुर्सी पर बैठूं। माफ कीजिएगा, ये ख्वाहिश तो ख्वाहिश ही रह जाएगी। वो जिन दो नामाकूलों को आपने पाकिस्तानी करार दिया था, वो इस वक्त हमारे गरीब खाने में बैठे नियारी खा रहे हैं। क्या क्या चाहते हो? इलेक्शन का टिकट। मिल तो जाएगा पर टिक नहीं पाओगे। अपना आदमी मंगवाने की तैयारी करो। रही बात सियासत में आने की, तो हम बलोच। हाँ, तो आप नतीजों का इंतजार कर रही थी। जी हाँ। काश इस नूर से चेहरे के साथ साथ अल्लाह ताला ने आपको थोड़ी इंटेलिजेंस भी बख्शी होती। मेरे मुताबिक वो दोनों सिविलियंस हैं। आप अपनी राय अपने तक रहने दीजिए। आपकी बेवकूफियों की वजह से मुझे अजहर बलोच को सेनेट में झेलना पड़ेगा। अब जाइए उनके शनाख्ती कार्ड और पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवाइए। लेकिन जनाब कानून के हिसाब से। अब आप मुझे कानून समझाइएगा। मुल्क का कानून मैं बनाता हूँ, सियासत आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और आप अपने जूनियर असमा सिद्दीकी को रिपोर्ट कीजिएगा। रिपोर्ट आपके सामने रखी हुई है। ये दोनों वार्ड नंबर 3 में बंद है और मलिक साहब का कहना है कि किसी भी कीमत पर इनकी असलियत जाहिर ना हो। तुम लोग अब वही करोगे जो हम कहेंगे। इन्हें अच्छे से गुसल करा के इनके कपड़ों का नाप ले लो। आप सबकी तशरीफ आवरी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 10-10 दहशत गर्दों से अकेले लड़ने वाले, हर सांस में पाकिस्तान का नाम लेने वाले, ड्रोनों की हुकूमत को नेस्तो नाबूद करने के लिए जमीन और आसमान एक करने वाले, अपनी ही मिट्टी दे पैदा। क्या नाम बताया इन दोनों का? नाम इन दोनों कर्नल इत्तपाक और वर्दपाक बलोच। कर्नल इत्तपाक और कर्नल वर्दपाक। जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान। ये ड्रोन, ये शैतान की आंख, ये जमाने का बवाल, लेकिन जो फाकमस्त होते हैं वो रहते हैं खुश हर हाल।
मच गया है बवाल, पूछो सवाल। हाँ शाहनवाज, आपने तालीम कहाँ से हासिल की है? अपने एबटाबाद बेस से, वहीं जहाँ आपने उसामा बिन लादेन को छुपा रखा था। हाँ अगला सवाल। जनाब, जनाब मेरी बात तो सुने, जनाब जनाब एक बार मेरी बात तो सुने। आप पूछिए सवाल। आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, आपका म्यूजिक का चॉइस क्या है, नुसरत फतेह अली खान साहब या आतिफ असलम? सुने, जब ये दो साल के थे तो हमने, यानी पाकिस्तान इंटेलिजेंस ने, इनके कानों में हेडफोन लगाकर हर वक्त सोते जागते उठते बैठते खेलते कूदते इनको गोलियों की साएं साएं और बमों की धाएं धाएं सुनाई। तब से यही इनकी असली मौसिकी है। नेक्स्ट। क्या आप अपनी अम्मी अब्बू के बारे में कुछ बता सकते हैं? और नाकू, हम ही इनकी अम्मी हूं और अब्बू भी। Myself, Mr. and Mrs. Azhar Baloch। हाँ, आप पूछिए। आपका निकाह हो चुका है? हाय तौबा, इतना पर्सनल सवाल, इन बेचारों के चोटों का तो ख्याल कर लेते। बस अब हमारे ये दो सूरमा आवाम से दो अल्फाज कहना चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जीवे जीवे पाकिस्तान। पुलिस पीडीएफ पार्टी के नौजवान, ये सूरमा है। गुजरात के जामनगर में मितेश पटेल के घर पैदा होने वाला ये शख्स है केदार पटेल। उनका ये दोस्त है शम्मी ठाकुर। अब सवाल ये है कि पाकिस्तानी सरकार इनको अपना हीरो क्यों बता रही है? इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ पाकिस्तान से मौजूद है जिया टीवी के यासिर अली। यासिर साहब, इनके पिता मितेश पटेल का दावा है कि ये दोनों बोट से निकले थे और मौसम खराब होने की वजह से गलती से पाकिस्तान पहुंच गए। भाई कमाल करते हैं दीपक साहब, कमाल करते हैं। तालिबान का कैंप उड़ाना आसान बात है नहीं? आप देखें ना साहब, वो गलती से पाकिस्तान आ गए, गलती से कैंप उड़ गया। बिरादर, दे आर ट्रेन पाकिस्तानी सोल्जर्स। आइए मैं आपकी उनके पूरे खानदान से मुलाकात करा। ये कर्नल इत्तेफाक की अम्मी, ये कर्नल इत्तेफाक की खाला जान, ये कर्नल इत्तेफाक का खानदान है, वो उनके चचा है, वो उनका भाई है, वो उनकी ननद की बेटी है, ये उनके बच्चे। जनाब देखिए, देखिए इन मासूम चेहरों को, सबूत की बात करते हैं। वक्त आ गया है साहब कि भारत की मीडिया अपने फैक्ट्स को चेक करे और उनको दुरुस्त करे और दूसरों के हीरो को अपना बनाने। यासिर साहब, हेलो हेलो, लगता है कि हमारा संपर्क यासिर साहब से टूट गया है या फिर उन्होंने अपना संपर्क तोड़ दिया है, क्योंकि उनके पास हमारे सवालों के जवाब तो है नहीं। लेकिन जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये मामला बहुत संगीन मोड़ ले चुका है। महफिल में मेरी आपका वेलकम है हजरात, भूल के गोले उबम रिलैक्स कीजिए आज। शम्मा हूँ नई नई, जलूंगी सारी रात। I'm not afraid to die।
मार देंगे, जस्ट लीव लीव नाउ। लायर लायर लायर, यू आर अ ब्लडी लायर। डू यू इवन रियलाइज हाउ एंबैरेसिंग इट इज फेसिंग द प्रेसिडेंट फॉर दिस? इंटेलिजेंस रिपोर्ट सेज दैट द तालिबान आर प्लानिंग फ्रेश अटैक्स एंड ऑल ऑफ दिस बिकॉज़ यू लेफ्ट दोस टू स्टूपिड इंडियंस। नाउ गेट आउट देयर एंड क्लीन अप दिस मेस। ए सम्मी, सम्मी मैं अभी बहुत थक गया हूं। मेरे को पापा की बहुत याद आ रही है। अभी मैं बोर हो गया यहाँ से यार, प्लीज मेरे को घर ले चल प्लीज। नहीं, ये तेरा प्रॉब्लम, तो हमेशा किसी ना किसी पे डिपेंड करता। पापा पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड, उस पे डिपेंड, तो अपने आप पे क्यों नहीं डिपेंड करता? क्या डिपेंडेंट डिपेंडेंट, मेरे को रास्ता पता था तो मैं खुद ही नहीं घर चले जाता। केदार, मैं जब से तुझसे मिला हूं ना, मैंने अपनी जिंदगी तेरी तरह जी है। अगर हमें यहां से जिंदा वापस जाना है ना, तो एक बार तो अपनी जिंदगी मेरी तरह जी। प्लीज थोड़ा सीरियस हो जाए यार। ए शम्मी, हाँ एक बात पूछो। पूछ। सच्चे सच्चे बोलेगा ना? हाँ वाले हैं क्या? आगे ले गया, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मेरा इत्तफाक, मेरा वत्तफाक। यार इन्हें सीरियसली ले लेना, तालिबान ने इस बात को उठा के ही ले गए हैं। अरे अब इसमें इतना परेशान होने का भी जरूरत नहीं है, अभी इलेक्शन में 20 दिन बाकी है, अभी हम लोग उनको कितना निचोड़ेगा। हाँ तो हमको क्या पता, तुम जानो। ए सम्मी, बहुत अंधेरा है, हम लोग मर गए हैं क्या? मैं पहले कभी मरा नहीं, मुझे कोई आईडिया नहीं। गन्स, तालिबान के गन है लो। व्हाइट, तालिबान नहीं लग रहे हो। ब्लैक, व्हाइट, तो सारे ब्लैक एंड व्हाइट है। तालिबान और अमेरिकन तो बिल्कुल सेम टू सेम है यार। शट अप, हु ब्लू अप the Taliban camp? We didn't. हमने नहीं किया भाई। Who blew up the Taliban camp? You did ना? You are you sure? Of course we are sure. हमने देखा तुमको करते हुए। You all 10 figures you did it, I know. हाँ। You remember? मैं पापा को फोन लगा रहा था और ड्रोन ने आके पूरा उड़ा दिया था। If I send you back to India, will you tell them that we did it? अफकोर्स बोलेंगे, डरते हैं क्या? नहीं तो सारे न्यूज़पेपर छपाऊंगा कि तुम लोगों ने किया है, समझे? I will personally SMS everybody and tell them you did it. So, you let the media know that we did. अरे I will tell Jignesh uncle, जैसे कि all my cousins also in Jamnagar, समझता क्या? Boys, pack your bags. They're going back to India. But we don't want to go. What? अरे अपने को इज्जत ही नहीं है उधर, इधर क्या ISI, तालिबान, everyone, बहुत डिमांड है अपनी इधर, अपने को जाने का ही नहीं। We wanted to go, what did you do? What did you do? What did you do? हम लोग को जंगल में छोड़ दिया था मरने के लिए? I will trust Pakistan. Come on! अरे भाई, we won't go. Okay, boys.
I'm sorry. I'm very, very sorry. We don't trust you. मैं अपने बाप के ऊपर once trust कर सकता हूँ, but you I will never trust. Look, the GPS in his car wasn't working. Okay. Yeah, GPS. रास्ते में किसी address पूछ लेते. वो ड्राइवर का. Who? Him. Fire. Okay. Gary, you're fired. You see, he's not working for me anymore. Good boy. I need someone. Can I hire you? What? Sure. What do I have to do so that you fine gentlemen get out of here and are not seen in this country anymore? Give us 5 seconds. We want to go back by Air India. Air India doesn't fly from here. We don't care. Okay. And we want 2 separate cabins with double beds and 54-inch television. Are you serious? Yes. And I want to watch only Hindi films until the time my film doesn't end. The plane should not land and go round and round and round and round and round and finally land in Gujarat. Multiple choices in food. Veg and non-veg, at least 25 different dishes. Oh yeah, I'll see what I can do on that one. And normal, good-looking air actress. No, wait a second. Now you're pushing it. You're going a bit too far. Better upholstery. No way. Good cutlery. No way. Clean bathroom. Damn it, that's impossible. Oh. You're finally flying the airline. Who cares now? Thanks. I suppose now you'd be wanting an American passport. Salat, I want Indian passport. But with multiple American visa with lifetime. And you? Dual citizenship. Indian and American. American and UK. Oh, here we go. Thank you. Do you have a gun? I always carry a gun, sir. Would you like me to shoot him? I want to shoot myself. Shall I load the gun for you? Dorothy, I want you to get them ready and send them home. This time, for real. Thank you and have a safe trip. Thank you. बिना पासपोर्ट के हिंदुस्तान जाओगे क्या? Thank you. Thank you. आवाज नहीं आई ना इसलिए पता नहीं चला कि गिर गया। अब मैं इसको संभाल के रखूंगा प्रॉमिस। खुद को तो संभाल नहीं सकता, पासपोर्ट संभालेगा। ये बैग भी मेरे से संभल नहीं रहा। बैग गिरेगा ना तो आवाज आएगी। चल। आप पाकिस्तान कब आए थे? ये छोड़ा ही कब था? क्या? वो तो पार्टीशन के वक्त दूसरी तरफ चले गए बस। आप कैमरे के सामने इधर खड़े हो जाएं। सिक्योरिटी, इनका पासपोर्ट जाली है, इन्हें लेके जाएं। नेक्स्ट प्लीज।
अपना पासपोर्ट दिखाएं। थैंक यू। इधर खड़े हो जाएं कैमरे के सामने और ग्लासेस उतार लें आप। वापस आ जाएं। पाकिस्तान कैसे आना पड़ा आपको? साइक्लोन की वजह से मेरे बट डूब गए थे ना, तो रबर ट्यूब में मैं पाकिस्तान आया। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका। ये रहा आपका पासपोर्ट एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू। यू टू। इधर जाना है। आई नो। किधर? हाँ? वो देख, तालिबान का डिलीवरी वाला। कहाँ? याद है इसको देखा था हम लोग ने? चल चल पकड़ दे तू, चल। ए समय, एक मिनट। डिलीवरी वाले भाई, क्या हाल है यार? पहचाना हम लोगों? इत्तेफाक, वत्तेफाक। सॉरी। हाँ? तमी ये कैसे पहचाने काम को? क्यों? अभी हम लोग इत्तेफाक और वत्तेफाक तो ना लग रहे हैं। ओह। हाँ। एक मिनट। याद है? आप आगा जान के डिलीवरी करने आते थे, हाँ? और मैंने आपसे पूछा था कि आप पिज्जा डिलीवरी वाले हो, तो आप कितना बड़ा कहते? अभी पहचाना? हाँ। बोला बोला। क्यों? अबे 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 Guys, I think you got the wrong person. I got a flight to take. Sorry. Taliban se seedha pilot. Usme kya? Toh bhi to Navy se seedha Taliban hi ban gaya. Dil se to main Navy wala hi hu na. Dil se to main bhi pakka Gujarati hu. मतलब दिल से तो ये भी तालिबानी ही होगा। कुछ होने वाला इधर। मैं बोलता हूँ केदार, कुछ होने वाला इधर। ऐसा मैं ये कराची है, यहाँ रोज कुछ ना कुछ होता है। अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ्लाइट डिले तो नहीं है ना? जी नहीं है। शुक्रिया जी। कह रहा हूँ कुछ गड़बड़ है। ए सम्मी, मेरे को अभी इंडिया जाने का है बस। गड़बड़ तो है। सॉरी सर, एक्चुअली बॉल आपके पास आ गई, वो खेल रही थी। और नहीं नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी है। सर वेरी सॉरी सर। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? पिकनिक? नहीं सर, पिकनिक नहीं है, हम लोग पूरी टीम लेके पैरा ओलंपिक में लंदन जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू। तो कहिएगा कि जीत के आए। क्यूट ना सम्मी। जी वो कह रही है पक्का जीत कर आएगी। थैंक यू। गुड, ऑल द बेस्ट, हैव अ सेफ फ्लाइट। यू टू। केदार, वो तालिबान वाला भी तो यही फ्लाइट ले जा रहे हैं ना? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है यार। अरे सम्मी, अभी बच्चे ओलंपिक्स में जा रहे हैं, इसमें तेरे को क्या ठीक नहीं लग रहा है? अरे मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ यार, मैं वो तालिबान वाले की बात कर रहा हूँ। अगर उसने प्लेन में कुछ गड़बड़ कर दिया तो? लेकिन वो तो बदल गया ना सम्मी, तूने देखा ना कि वो पायलट बन गया। चल 99% मैं तेरी बात मान लेता हूँ, वो 1% 1% अगर वो नहीं बदला तो? सम्मी,
तो बच्चों के साथ तो गड़बड़ हो जाएगी ना। वही तो मैं कह रहा हूं। लेकिन शम्मी, हमको तो घर जाना है ना। और बच्चे? रिस्क मर भी सकते। मरना होता ना तो तालिबान के हाथों मर जाते, ISI के हाथों मर जाते। नहीं मरे ना, हम अभी तक यही है, कुछ नहीं होगा। अगर हम लोग ने बच्चों को बचाया ना तो पकड़े जाएंगे, और अगर यहीं बैठे रहे ना तो घर पहुंच जाएंगे। इतना लोड लेके मैं घर नहीं जा सकता यार। तुझे रहना है तो रहे, मैं जा रहा हूं। ए सम्मी, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ गुजराती मैन। गुड बॉय। अभी क्या करेंगे सम्मी? देख, पहले तो ना हम लोग को वो पुलिस वाली को फोन करना है। हाँ, और मुझे ना ये पायलट के पीछे जाना है। ओके। प्लेन में। हाँ। तो लेकिन ये मैं कैसे करूंगा ये सब? अरे तो कर्नल इत्तेफाक है यार, तू कुछ भी कर सकता है। हाँ। सोच। तो चल एक तो देख ना अभी। हाँ, क्या कैसे टोपे पहनी है तुमने? अस्सलामुअलैकुम। वो दोनों इत्तेफाक और वद्दफाक कराची एयरपोर्ट पे हैं और उन्होंने मुझे पहचान लिया है। प्लान बी एक्टिवेट कर दीजिए। पायलट नहीं, मैं जानता हूं।
problems, sir. We are here to help you. अरे एयरोस्पेस बंद दरवाजा तो बंद करो. पायलट क्या है? इसमें कपट नहीं है. कपट ऊपर है. अपने को लेफ्ट जाने का है कि राइट जाने का? मेरे हिसाब से हमको सीधा जाना है. ये दो बार राइट टर्न लेंगे ना तो यू टर्न हो जाएगा. इजाजत हो तो मैं कुछ कहूँ. ना बोलो बोलो. लेफ्ट ले लीजिए. चल भाग नहीं तो, चल भाग नहीं तो जीप लाल पड़ जाएगी.
Cortou.